नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। खबर नसुलागंज से है। लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। नसुलागंज के साथ ग्राम लाडकुई में शुक्रवार को कांग्रेसियों ने पेट्रोल पंप पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते हुए दामों के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। वहीं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा ने कहा कि बढ़ती कीमतों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता की कमर टूट गई है। ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है, जनता बुरी तरह से त्रस्त है। नसुलागंज से पवन माहेश्वरी की रिपोर्ट। विरोध हम लोग कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसी के सिलसिले में यहाँ कर रहे हैं। पेट्रोल लगभग 105 के आसपास हो गया है और डीजल जो है वो 95 के लगभग पहुंच गया है। ऐसे में जब किसानी का टाइम है, किसान डीजल से परेशान है, आम उपभोक्ता पेट्रोल से परेशान है, और इन दोनों की वजह से दूसरे जिंसों पे भी महंगाई बहुत भारी बढ़ गई है। 200 रुपए के आसपास सरसों का तेल पहुंच गया है, लोग बहुत परेशान है। इसके विरुद्ध में हम सब एकजुट होकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, और यदि चुनाव नहीं होते सामने पंजाब और यूपी के, तो शायद 150 के आसपास पेट्रोल पहुंच जाएगा, ये स्थिति रहेगी। डर के भाव बढ़ रहे हैं, तमाम महंगाई हर चीज पे बढ़ रही है।